हेलो गाइस, तो आज थोड़ा सा चटपटा खाने का मन कर रहा था तो सोचा कि चलो पिज़्ज़ा बनाते हैं। तो पिज़्ज़ा के लिए हमें मैदा का बेस भी चाहिए, तो फिर ख़रीदे क्यों घर पे, चलो बनाते हैं। तो हमने पिज़्ज़ा बनाने के लिए पिज़्ज़ा का आटा लिया जो कि मैदा है, और मैदा में थोड़ा सा नमक और तेल डालकर उसको अच्छे से मलकर उसका आटा लगा दिया और 5 मिनट के लिए उसको ढक के रख दिया। उसके बाद फिर हमने ये सारी सब्जियां काटी जिसमें प्याज था, टमाटर था, शिमला मिर्च था और पनीर भी था, क्योंकि हम बना रहे हैं पनीर वेज पिज़्ज़ा। तो उसके लिए ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी है। तो अगर ये ना भी हो तो भी जो भी घर में सब्जियां हो उससे भी आप बना सकते हो। तो उसके बाद फिर मैंने इसे थोड़ा थोड़ा पका लिया। पकाने से ये होता है ना कि इसका टेस्ट थोड़ा बढ़ जाता है। और इसमें 2-4 मसाले डाल लिए, जिसमें था चाट मसाला, काली मिर्च पाउडर, नमक और सोया सॉस। और फिर इसको थोड़ा थोड़ा मिक्स कर अच्छे से इसको पका लिया हमने। और फिर हमने एक प्लेट में इसको ठंडा होने के लिए रख दिया। अब देख सकते हो कि मैंने सोया सॉस डाल के इसका कलर चेंज कर दिया, और सच में इतना टेस्ट आता है ना, मतलब खुशबू आती है ना सोया सॉस से। उसके बाद आप देख सकते हो कि हमारा आटा तैयार हो गया था, तो रोटी की तरह इसे बेल लिया। पर ध्यान रखिएगा, मैदा है मीडियम ही बेलना, ना ज़्यादा मोटा ना ज़्यादा पतला, बिल्कुल पिज़्ज़ा के बेस की तरह। उसके बाद फिर हमने इसको छेद कर लिया। इसमें हम छेद इसलिए करते हैं ताकि ये पिज़्ज़ा और ये जो मैदा है ना, ये अच्छे से सीख जाए, पक जाए, क्योंकि कभी कभार ना मैदा कच्चा रह जाता है तो वो हमारे पेट में पकड़ जाता है। इस वजह से आप देख सकते हो मैंने बिल्कुल भी इसमें ऑयल डाला ही नहीं, बिना ऑयल के मैंने इस पिज़्ज़ा का बेस बनाया है। उसके बाद मैंने इसमें ये वाइट मेयोनीज डाली, उसके बाद चिंग्स चटनी डाली, फिर मैंने सॉस डाला, मीठी चटनी, फिर मैंने ये जो भी सब्जियाँ हैं उससे थोड़ा थोड़ा डाल दिया, और पनीर डालकर चीज़ डाल दिया। क्या होता है ना कि पनीर और चीज़ डालने के बाद ना वो अलग ही एक, मतलब बनने के बाद जो आता है ना सीख कर, आहा, बहुत टेस्टी, दिखने में भी और खाने में भी। तो आप देख सकते हो कि मैंने पनीर डालकर चीज़ डाल दिया। उसके बाद फिर मैंने तावे को थोड़ा गर्म कर दिया। हमारे घर में ओवन नहीं है, इस वजह से मैंने इसे बिना ओवन के बनाया, वो भी तावे पे। तो 1 चम्मच ऑयल डालकर इसे मैंने 10 मिनट के लिए रख दिया ढककर, वो भी एकदम धीमे आंच पर। धीमे आंच का मतलब है कि धीरे, 10 मिनट के लिए धीमे आंच पर रखने के बाद नीचे बिल्कुल भी जलता भी नहीं है और हमारा अच्छे से सिक भी जाता है पिज़्ज़ा। एक बार आप भी जिस तरीके से मैंने किया है उस तरीके से बना के देखिएगा, आपको सच में पिज़्ज़ा वाला टेस्ट आएगा और होटल जैसा। और आपके जितने भी आपके घर की फैमिली है ना, बच्चे स्पेशली बहुत खुश होंगे ये बनाकर। तो आप भी एक बार ट्राई कीजिएगा, एक बार बना के, बहुत इजी है, ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत ही नहीं है। 2-4 चीज़ें हैं जो कि आप घर पे भी बना सकते हो और मार्केट से ख़रीद के भी ला सकते हो, ज़्यादा पैसे लगेंगे ही नहीं। और ये अगर आप बाहर जाओगे खाने के लिए तो बहुत महंगा मिलता है, और यहाँ आप कम सामान में, कम चीज़ों में 3-4 पिज़्ज़ा आराम से बना सकते हो। आप देख सकते हो कि दिखने में ही बहुत टेस्टी लग रहा था, बनकर तैयार हो गया है। और जब मैंने इसे टेस्ट किया तो ये बहुत गर्म लग रहा था, पर मैंने सच में, मेरे घर की फैमिली ने भी बहुत इन्जॉय किया इस पिज़्ज़ा को। तो आप भी प्लीज़ एक बार बना के देखिएगा और खा के देखिएगा। तो अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, और फिर खा के देखिएगा। तो मैंने जब इसे खाया तो आप देख सकते हो मैं कितनी खुश थी ये बना के, क्योंकि जब हम बनाते हैं ना कोई चीज़, लोगों को खिलाते हैं और फिर वो लोग बोलते हैं कि हाँ बहुत टेस्टी है, तो वो बहुत अच्छा लगता है। तो आप प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक दीजिएगा, मेरी मेहनत को सब्सक्राइब कीजिएगा और पिज़्ज़ा बना के देखिएगा, सच में आपको बहुत खुशी होगी। तो थैंक यू, बाय बाय। मैं भी पिज़्ज़ा एंजॉय करती हूँ और आप भी एंजॉय कीजिए बनाकर। बाय।